पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में बृहस्पतिवार को एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बीट पुलिसिंग ऐप मोबाइल डिवाइस टर्मिनल सैमसंग टैबलेट में प्रहरी ऐप को डाउनलोड कर गोरखपुर पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए थानों के लिए 72 टैबलेट और राजपत्रित अधिकारियों के लिए 14 टैबलेट वितरण किया। साथ ही निर्देशित किया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीसीटीएनएस अभिराम द्वारा सीसीटीएनएस और हल्का बीट प्रभारियों को ट्रेनिंग देकर परिपक्व किया जाएगा। इस संबंध में एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बताया कि प्रहरी बीट पुलिसिंग ऐप के तहत राजपत्रित अधिकारी के साथ साथ ही सभी थानों पर सैमसंग टैब को वितरण किया गया है, जिसमें बीट से लगाए थाने के सभी सूचनाएं इसमें भरी जाएंगी। इसके लिए सभी थानों में तैनात सीसीटीएनएस के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, और उच्च अधिकारियों तक इसमें जो है उच्च अधिकारियों का परिवेक्षण करने के लिए टैबलेट दिया गया है। ये जो टैबलेट है सर, ये उच्च अधिकारियों के लिए है। बेसिकली जो है जो भी घटना होती है उसको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपको उस टैबलेट के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। कॉन्स्टेबल कोई भी जैसे घटना होती है तो उसमें जो है वहां पे घटना को जो है वीडियो या ऑडियो जो भी है उसको मैसेज जो है उच्च अधिकारियों को, अपने थाना प्रभारियों को, जो भी उनके जो है बीट प्रभारी हैं उनको जो है अवगत कराएंगे उस ऐप से जो है मौके पे उसकी जो है जांच पड़ताल करके उसमें रिपोर्ट लगा देंगे इस टैबलेट के माध्यम से। जो हम लोग थानों से जो सूचनाओं दे रहे हैं सर, इसमें सूचनाओं सर जो है इसमें ये लेना है सर, आज सर इसको वितरण करने के बाद सर तुरंत इसमें माटा डाटा लेंगे सर, उनसे अपडेट करेंगे सर। इसके बाद सर अभी इसमें लॉग इन भी नहीं आने पे सर जो है इसमें प्रभारी से लेके सर बीट आरक्षी तक यूज करेंगे सर इसको टैबलेट को। टेक्निकल एस्कॉर्ट है सर, तो इनको जो भी है वहाँ पे लीव कर देंगे सर थाने पे भी, या जिनको भी कोई दिक्कत आएगी सर हम लोग आप लोग जो है चार आ जाइए जो है मोबाइल के साथ जो है फोटो सोशल डिस्टेंस पालन करिए। ये देखिए प्रहरी बीट पुलिसिंग ऐप, इसके तहत हम लोगों ने इसके प्रयोग हेतु प्रहरी बीट पुलिसिंग ऐप के प्रयोग हेतु मोबाइल डिवाइस टर्मिनल MDT, ये सैमसंग टैब है, इसको हमने बांटा है 72 थानों पे दिए गए हैं, किसी थाने पे 2 किसी थाने पे 3, सभी अधिकारियों के पास भी रहेंगे और इसमें सभी तरीके की थानों की ऐप में इसमें सूचना भरी जाएगी, चाहे स्ट्रीटर से रिलेटेड हो, अपराधियों से रिलेटेड हो और बीट से रिलेटेड विशेष रूप से जो सूचना है वो भरी जाएगी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग है पुलिस में और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोगों के पास हर सूचना रहे इसके लिए ऐप जो है दिए जा रहे हैं। सेंट्रलाइज तरीके से सूचना हमारे यहाँ भी और लखनऊ में भी रहेगी और इसका बहुत बड़ा उपयोग है पुलिसिंग में। तो बीट पुलिसिंग ऐप जो आप पहले बीट डायरी और ये सब चीज़ें सुनते थे,
उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स ले रही है और उसकी जगह ये ऐप ले रहे हैं। तो बीट पुलिसिंग ऐप, जो प्रहरी बीट पुलिसिंग ऐप है, इसके लिए हमने टैबलेट वितरित किया है और इस पर कार्रवाई कराई जा रही है। हाँ, इसको हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे। थाने में जितने भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जो सीसीटीएनएस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स नियुक्त हैं, वो ट्रेनिंग दिलाएंगे और हमारे जो सीसीटीएनएस के प्रभारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ये भी ट्रेनिंग दिलाएगा सब लोगों को। और सब ट्रेनिंग के उपरांत ही चूँकि यूज हो पाएगा, तो इसलिए सबको हमने ट्रेनिंग की भी, अगले 10 दिन में ये ट्रेनिंग हम पूरी कर लेंगे।